तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँगा ओप्पो एफ एन एस नेटवर्क को लेकर। फाइनली हमारे ओप्पो एफ एन एस के मोबाइल में नेटवर्क कमी बहुत आती है। यहाँ पर फिलहाल मुझे जो प्रॉब्लम है वो नेटवर्क को लेकर। फाइनली मैं पहले सिम पर नेटवर्क आ रहा है जो दूसरे सिम पर नहीं आता है। तो कभी पहले सिम पर नेटवर्क नहीं आता, दूसरे सिम पर नेटवर्क आता है, ये जो प्रॉब्लम है ना इसको सॉल्व मैं आप करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर दो चीज़ें फिलहाल सॉल्व भी होता है नहीं भी होता है। तो मैंने पहले किया था, सॉल्व हुआ था, लेकिन इस बार नहीं हो रहा है। को क्या भरोसा है कि अगर आपका कभी सॉल्व हो जाए इस वीडियो को देखकर? तो वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप तो सामने देखोगे ड्यूल सिम के पास, उसके बाद में आपको जो नेटवर्क बंद है उसको आप टच कीजिए। सिम वन सिम टू जिसमें भी नेटवर्क बंद है, तो मैं सिम वन में आता हूँ। और यहाँ पर आपको देखिए कैरी का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको कैरी में जाना है, सेटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपना दूसरा सिम चालू कर लेता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पर देखिए मैं चालू करता हूँ, वोडाफोन को बंद करता हूँ, और जो मैं पहला वाला नेटवर्क है फिलहाल वो आ जाएगा, देखना आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखिए मेरा जो सामने वाला नेटवर्क फिलहाल जियो का वो आ चुका है और वोडाफोन का चला गया है। तो यही जो प्रॉब्लम है ना फिलहाल बहुत आती है इस ओप्पो एफ एन एस के मोबाइल में, फिलहाल मुझे भी आ रही है। और इसका जो सेटिंग है आपको मैं बता दूंगा, कैरी में ऑप्शन आपको करना पड़ेगा। कैरी में जाने के बाद आपका जो सिम है उस सिम की कंपनी सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सर्चिंग करने के बाद आपका जो नेटवर्क है फिलहाल आ जाएगा। फिलहाल मैंने किया तो अभी नहीं आया, पहले आया था, मैंने इसी तरह से किया था। तो क्या बस अगर आपके मोबाइल में भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम है तो आपके मोबाइल में ये करने से हो जाए? तो यहाँ पर फटाफट मैं इनेबल करता हूँ अपने दूसरे सिम को। यहाँ पर फिलहाल दोनों इनेबल करता हूँ तो दोनों में से कोई ना कोई चलता ही, फिलहाल दोनों साथ में नहीं चलता है, सिम का नेटवर्क नहीं होता है, फिलहाल एक ही नेटवर्क पकड़ता है। तो यही जो प्रॉब्लम है समय आ रही है। तो मैं कहता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।